पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के दो गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर, वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार फिर? ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? सर, जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक्स और टेररिस्ट जो है वो एनकाउंटर्स कर रहे हैं, और आज फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर बार पाकिस्तान पे ब्लेम करना सही नहीं है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं मेरा मानना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है, और अगर वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के दो गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर, वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार फिर? ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार रहे हैं, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की, आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारे शहरियों को मार रहे हैं। इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खान्यार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको, उनको पकड़ना चाहिए, और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है, खान्यार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इसमें तश्वीश है। किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीजें कामयाब नहीं होंगे, हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह, लोग इसके साथ नहीं है। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूंगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए, और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तो थी नहीं, अब कहां से आ गई? यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। दो ही दिन पहले गवर्नर साहब ने बताया था कि पंचायत इलेक्शंस की भी तैयारी, अब तैयारी है, वो भी होने वाले हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। पंचायत टाउन एरिया कमेटीज, म्यूनिसपैलिटीज, इनका इलेक्शन आएगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्टेटहुड होना लाजमी है, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा था जब एनसी ने बाइकॉट किया था उस फंक्शन में जाने, बोला एटलीस्ट अभी तक सबको मानना चाहिए जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी ही है अभी तक। ठीक है, मगर हम यूनियन टेरिटरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम सोचते वक्त आ गया यूनियन टेरिटरी को खत्म होना चाहिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो स्टेटहुड का प्रॉमिस है, पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। होपफुली सिचुएशन विल बी बेटर, आई एम श्योर इट विल बी ऑलराइट, इट विल बी ओके।